हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड नमस्ते सर। इवनिंग, आवाज क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस इन सीरीज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर। इस चैप्टर को ऑलरेडी आपको बेसिक नॉलेज हो गई, आई थिंक है ही सबको। बस ध्यान फिर भी मैं सारी बेसिक चीजें, बेसिक इलस्ट्रेशन, जेई के PYQ इजी से स्टार्ट करेंगे। धीरे 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 लेवल आपका बढ़ता जाएगा, बस आपको कंसंट्रेट होके सुनना है और ध्यान से ऑब्जर्व करना है। आपके पास सर एक चीज पूछनी थी। एक मिनट, अभी बाद में पूछ, बोलो जल्दी बोलो सर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सर मेंस के टॉपिक में है सिलेबस? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है नहीं, लेकिन उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो बोलेगा नहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन बनाते हुए क्वेश्चन को फॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, तो इसलिए वो आएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके हाँ ठीक है, अब सुन लो, पहले ब्रेक हो जाता है। एक्चुअली ये जो भी डाउट्स हो ना, पर्सनल डाउट क्लास के लास्ट में पूछ लिया करो, ठीक है? ये रिदम ब्रेक हो जाती है, बड़ी मुश्किल से रिदम बनती है। ये 100 पेज की PPT आपकी, ठीक है? जैसे अभी 4 बजे बाद आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, उसके बाद में 2 घंटे में आपकी PPT बनी है मैंने, ठीक? तो काफी मेहनत लगी है। ये PPT आपके पास अभी नोट्स बन के आ जाएगी, इसमें जेई के 2023 के PYQ 2022 के इम्पोर्टेंट PYQ जो आपके इस साल के सिलेबस में, वो सारे कवर्ड है। ठीक है, थोड़े बहुत और मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें डाल दूंगा, और आज के इलस्ट्रेशन के भी सॉल्यूशन लगभग सबके डले हुए हैं। आपका काम ये है कि बहुत कंसंट्रेट होके हर चीज को देखना है, सुनना है, और घर पे जाके वापस से इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं किसी किसी अटेम्प्ट, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट बोलते हैं। एंड सेकेंडली, ये चैप्टर ऐसा है कि जो बाकी चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है, मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन आपका फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग सब लोग कंसंट्रेट होकर प्रॉपरली सुनना, ठीक है? अपन बेसिक से मेंस लेवल एडवांस तक पूरा जाएंगे, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। बस कंसंट्रेट होकर सुनते जाना, बीच में कोशिश करना कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, डिस्टर्ब क्लास ना हो। ठीक है, करें स्टार्ट? ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि आज मैक्सिमम पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, लगभग मैंने पूरी थ्योरी आज ले ली है, तो अपन कोशिश करेंगे पूरा कवर हो जाओ। और आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, मतलब अगर अपन क्लास में आज अगर 30 क्वेश्चन करते हैं, तो आपको घर जाके 30 क्वेश्चन और होमवर्क में कर लोगे, इतना अगर आपने कर लिया। इसके अलावा कोई बुक कुछ भी रेफर करने की, कोई मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स ही अगर आप कर लोगे तो आपका जेई में ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर सीक्वेंस इन सीरीज। सिलेबस की जहां तक बात है, AP है, GP है, इंसर्शन ऑफ द अर्थमेटिक एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, और ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। तो सीरीज वाला पोर्शन था पूरा डिलीट हो गया, इससे अगेन काफी अच्छे क्वेश्चन आते थे। तो अब आपके पास लिमिटेड सिलेबस है इस चैप्टर में भी, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिख जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहला प्रोग्रेशन, दैट इज AP। AP आपको पता ही है कि भाई अगर ऐसी सीक्वेंस, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर डेफिनेट रूल से फॉलो कर रही, जिसकी कोई ना कोई जनरल nth टर्म हो। ठीक है, इस तरह से हम अगर सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। उसमें सबसे पहली होती है मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हम एक कॉमन डिफरेंस, जैसे पहली टर्म अगर मान लो मेरी A है, तो इसमें एक कॉमन डिफरेंस D ऐड करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो सीरीज बन जाएगी, प्रोग्रेशन बन जाएगी, ये जो प्रोग्रेशन बनेगी, सीक्वेंस बनेगी, इसको मैं बोलता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये मेरी AP होती है, आपको पता ही, जहां पे A होता है मेरा फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस, हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो मेरे D के बराबर होगा। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और इसी तरह से कोई मुझे पूछेगा बताओ इसकी nth टर्म क्या होगी, तो nth टर्म बता दो क्या हो जाएगी, a+(n-1d), ये आपका nth टर्म हो जाएगा। तो अगर कोई बोलता है 8th टर्म बताओ, तो 8th टर्म आपकी हो जाएगी a+(7d), कोई बोलता है 15th टर्म बताओ, तो 15th टर्म आपकी हो जाएगी a+(14d), है ना? बोलो यस यस यस। अब दूसरी बात आती है इसके सम की, इन सबका अगर सम कर दो, सम का मतलब ध्यान देखो, ये TN nth टर्म को अपन बोलते हैं जनरल टर्म, या तो आप इसको जनरल टर्म ऑफ द AP बोलो, या तो इसको लास्ट टर्म ऑफ द AP बोलो, या फिर इसको nth टर्म ऑफ द AP बोलो, मतलब nth टर्म है ये, कोई भी जनरल टर्म लिख दिया अपने, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म को देखते हुए अपने nth टर्म का फॉर्मूला क्या बना दिया, a+(n-1)(d). इसी तरह से SN होता है, SN का टर्मिनोलॉजी क्या है कि SN मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, sum of n terms, मतलब 1 से लेके n तक टर्म तक का सम, SN हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी आपको सबको पता ही है, n/2 2a+(n-1)(d), है ना?
यस सर ठीक है, और इसको दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं n by 2 a plus l। इन सब में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सारी बेसिक चीजें सबको पता है, हम ज्यादातर क्वेश्चन दिमाग लाएंगे, लेकिन बस रिकैप कराना है, फटाफट रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। तो ये sn का मतलब हो गया मेरा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। कोई पूछता है s5 बताओ, s5 का मतलब a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5। s10 का मतलब क्या हो जाएगा, a1 से लेके a10 तक का सम। क्या ये बात समझ में आती है? यस यस ओके वेरी गुड। या क्या हो गया AP, यहाँ पे जो D कॉमन डिफरेंस है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव हो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं D को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर AP के बारे में बेसिक टर्म में थी। अब AP की कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जो हमको बहुत ध्यान रखनी है। अगर मैं बोलता हूँ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये सब अगर AP में है, ये क्वेश्चन में बोला गया अगर ये AP में है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसके जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, इनका सम अगर मैं करूं a1 प्लस an, फिर आगे से दूसरी टर्म और पीछे से दूसरी टर्म, इसका अगर सम करें तो क्या ये सेम आएगा? बोलो। यस सर। यस सर। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि पीछे से मतलब आगे से पहली टर्म और पीछे से लास्ट वाली टर्म, इनका सम आप करके देख लेना, ये 2a प्लस n माइनस 1d आएगा, ये भी 2a प्लस n माइनस 1d है, इन सबका सम क्या आता है, इक्वल आता है। क्लियर है? मतलब आगे से जो आप टर्म, अगर मैं बोलता हूँ आगे से फिफ्थ टर्म और पीछे से फिफ्थ टर्म, इनका भी सम क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? मतलब इन सब की सम, इन सब का अगर सम करोगे तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और सारी की सारी क्या होगी, इक्वल होगी। क्या ये बात समझ में आती है? पहली प्रॉपर्टी बोलो। यस है ना? यस यस ठीक है। अगर इस ये एपी में है, अगर इन सारी टर्म्स में मैं अगर एक मान लो इन सारी टर्म्स में कोई कांस्टेंट नंबर के या फिर लैम्डा ऐड कर दें तो क्या अभी भी सीक्वेंस एपी में रहेगी? यस सर रहेगा। अगर हर टर्म में आप कोई कांस्टेंट नंबर लैम्डा ऐड कर दोगे तो अभी भी सीक्वेंस किस में रहेगी? एपी में। ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो भी सीक्वेंस किस में रहेगी? एपी में रहेगी। हाँ है ना? यस बोलो। अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर से तो सोचो, एग्जांपल लेके देखो, या फिर आप कैसे सोचोगे कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होगी, जब उन दोनों कोई भी दो टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। है ना? आप देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, तो a2 लैम्डा माइनस a1 लैम्डा, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा इनटू d। सेकंड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो a4 लैम्डा माइनस a3 लैम्डा, इनका डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, लैम्डा इनटू d। है ना? तो अभी भी एपी में है कि नहीं है? यस सर। यस सर। किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर किसी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करो, अभी भी सीक्वेंस किस में रहेगी, एपी में रहेगी। क्या बात समझ में आती है? मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो अभी भी जो सीक्वेंस बनेगी वो कोई ना कोई एपी ही रहेगी। हो सकता है उसका कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाए, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस किस में रहेगी, कोई ना कोई एपी बनेगा। क्या बात समझ में आती है? ग्रेट। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टी और होती है कि अगर मान लो मैं शुरू की n टर्म का सम और शुरू की n माइनस 1 टर्म का सम सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? nth टर्म। nth टर्म, वेरी गुड। ऐसा क्यों होता है? sn का मतलब अभी आपको मैंने सिखाया a1 से लेके a2 a3 a4 अप टिल an का सम, हां है ना, ये सबको पता है? बोलो। यस सर। और an माइनस sn माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? a1 से लेके a2 कहां तक का सम? रिलेशन है जो भी कभी कभी काम आ जाता है, एस एन और ए एन में एक तरह का रिलेशन है कि एस एन और ए एन में एक तरह का रिलेशन, sn-sn-1 इसकी वैल्यू कितनी बराबर है, ए एन के बराबर है। किसके बराबर है? ए एन के बराबर। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये आपकी सीख, ये ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, सबको क्लियर हो रहा है दिमाग में? चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखे तो बस मुझे आप तरीका बताना, पूरा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। शो दैट द सीक्वेंस इज इन एपी, कोई भी सीक्वेंस एपी में चेक करने का तरीका बोलो। सर डी सेम है, डी निकालेंगे, डी बता देंगे सेम है हर जगह। और 16 टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना घर पे जिसको बेसिक में दिक्कत हो। सेकंड सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी जिसका एन पता हो, एन पता तो एसएन कैसे निकालेंगे? सर a1 निकाल लेंगे, a2 निकाल लेंगे, an निकाल लेंगे। वेरी गुड। n की जगह 1 2 3 रखते जाओगे a1 a2 a3 आ जाएगा, जैसे ap पता चल जाएगा sn का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। है ना?
हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी, अगर एक एपी की नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है फॉर्मूला ए पता है, एन पता है, डी पता है, एन एच फॉर्मूला का फॉर्मूला अप्लाई करोगे एन आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी पूछे वो भी अप्लाई, ये सारी क्लास टेंथ में भी अपने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, दो एपी गिवन है आपको, पहली गिवन है 2, 5, 8, 11, जिसको आता है वो ट्राई कर लो जल्दी से अप टिल 68 तक। सेकेंड एपी आपको गिवन है 3, 5, 7, 9 अप टू 50th टर्म। तो ये दो तरह की एपी है और उसमें पूछा कि इसमें इन दोनों में कितनी कॉमन टर्म्स होगी, दोनों एपी में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। जैसे यहाँ पे पहली कॉमन टर्म क्या आ रही है, फाइव। ऐसी आगे ना कोई कॉमन टर्म आएगी, ऐसी कॉमन टर्म आती जाएगी बहुत सारी, तो ऐसी कितनी कॉमन टर्म्स आएगी इन दोनों में वो मुझे काउंट करना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दिस टू एपीज। क्या बात, सब क्वेश्चन समझ आया? यस सर। तो जिसको आता है एक बार ट्राई कर लो और जिसको नहीं आता एक बार सीखो, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। तो कॉमन टर्म वाले क्वेश्चन कैसे करते पहले सीख लो और जिसको आता है वो अपने एंड पे ट्राई करते रहो। सबसे पहले क्या करना बच्चों, इसकी इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो पहली एपी का, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3। फिर जो सेकेंड एपी उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है 2। तो आपकी जो कॉमन एपी होगी, जो दोनों में कॉमन टर्म्स वाली एपी होगी, कॉमन टर्म्स वाली एपी, उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 6। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा, क्या निकालोगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। जो दोनों का ये जो दोनों है, हाँ दोनों जो सीक्वेंस है उनका क्या बन जाएगा एलसीएम, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आएगा एलसीएम, क्योंकि आप देखो ना सेम डिफरेंस से आगे बढ़ेगी तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज कितना आ जाएगा 6, है ना? बोलो ठीक है। और जो कॉमन टर्म है वो पहले टर्म है 5, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना, देखो अगली टर्म क्या, अगली कॉमन टर्म क्या आएगी 11। अब देखो ये 3, 5, 7, 9 इसके बाद अगला टर्म 11 ये आता Yes, अगला टर्म क्या था 11 और आपका 11 क्या था कॉमन टर्म, देखो सही बता रहा, मतलब अपने जो तरीका अपना है वो सही है, कॉमन डिफरेंस ही एपी में आएगा, सॉरी मतलब बेसिकली इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, है ना? यस सर। ओके, और इसकी कोई ना कोई एनएच टर्म होगी, पहले 5 फिर 11, मतलब बेसिकली कॉमन टर्म्स में पहला टर्म 5 है, अगला टर्म 11 है, अगला टर्म फिर 6 ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता है, मुझे पता है नंबर ऑफ टर्म्स पता करने, कितनी पता करनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो एक आसान तरीका क्या होता है, आप क्या करो जैसे यहाँ पे 60 टर्म है, यहाँ पे 50 टर्म है, तो मुझे बताओ ये जो एन की वैल्यू आएगी ये क्या मैं ये बोलूं ये 50 से कमी आएगी? इसमें तो 60 इसमें 50 है लेकिन दोनों में कॉमन है, तो दोनों की कॉमन टर्म तो इस 50 से तो कमी आनी चाहिए। यस सर, ये तो दिमाग में ही। अब इससे हम लॉजिकली निकाले थे एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ठीक है, एनएच टर्म जो भी होगी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ये आपकी 50 से तो क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है पहली चीज। और दूसरी चीज अगर मेरे को ये पता चल जाए कि लास्ट कॉमन टर्म कौन सा है, ठीक है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि लास्ट कॉमन टर्म कौन सा है तो मैं नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पता कर सकता हूँ। अपन को एक एन, अपन को क्या पता करना एन पता करना, अपन को क्या पता करना एन, तो एन पता करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप एन पता कर लो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे आपको अगर n पता करना, अगर an आ जाए, a ऑलरेडी आपके पास है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस भी आपके पास है, तो आपके पास n आ जाएगा, हाँ है ना? बोलो आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. तो yes, sir. मुझे बताओ क्या तरीका अपना है nth टर्म कैसे निकालें, या फिर और कोई तरीका जो आपको पता हो nth टर्म, मतलब बेसिकली ये कैसे पता करें कि आखिरी कॉमन टर्म क्या होगी, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करें? सर ये t50 और t60 दे रखा है, हम t50 और t60 निकाल लेते हैं और जिन जो छोटी वाली टर्म होगी मतलब उससे जो सब उससे जो छोटी होगी वही टर्म nth मतलब हमारी कॉमन टर्म होगी आखिरी वाली। बिल्कुल, देखो तो आप लास्ट टर्म पता कर लो, ऊपर वाले सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या है वो पता करो, नीचे वाले सीक्वेंस की लास्ट टर्म पता करो, उसमें जो छोटी होगी वो आपकी कॉमन टर्म उससे भी क्या होगी छोटी होगी, ये कर सकते हो। बिल्कुल देखो ध्यान से, ये वाली टर्म पता करो एक बार, t60 कितनी आ रही है,
सर टी 60 179 आ रही है 179 ठीक है और टी 50 कितना आ रहा है 101 सर 101 10 तो कौन सी वैल्यू छोटी है बोलो बच्चों 101 तो आप क्या बोलोगे जो कॉमन टर्म आएगी वो 101 से तो छोटी आएगी उसके बराबर आएगी लास्ट कॉमन टर्म बोलो यस सर जो भी लास्ट कॉमन टर्म होगी ये वाली जो भी लास्ट कॉमन टर्म होगी ये 101 से छोटी है बराबर ही होगी है ना सर 17 टर्म इस वाले एपिक जो न्यू है ये कॉमन आ रही है 101 ही आ रही है हाँ जो भी है पर ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया यस सर सबको क्लियर है देखो एक बार फटाफट लिख रहा हूँ देखो सबसे पहले एपी वन आपकी एपी वन कितनी 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन अप टिल 60th टर्म एपी टू आपकी कितनी थी फटाफट समझ लो एपी टू आपकी थी 3, 5, 7, 9, 11 अप टिल टी 50th टर्म स्टेप क्या रहेगा स्टेप वन सबसे पहले कॉमन जो कॉमन टर्म्स वाली एपी है उसका आप क्या निकालोगे कॉमन डिफरेंस कॉमन टर्म्स एपी जो होगी आपकी वैसे तो क्या हो जाएगी अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहला कॉमन टर्म कितना आ रहा था 5 अगला कॉमन टर्म कितना आ रहा था 11 इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी है ना और इसका कोई ना कोई nth टर्म होगा और ये यहाँ पे पहला लॉजिक आपको क्या सिखाया मैंने कि इस कॉमन टर्म वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा एलसीएम ऑफ डी वन एंड डी टू है ना बोलो यस सर तो एलसीएम ऑफ डी वन एंड डी टू तो 3 and 2 का एलसीएम आपका आ जाएगा 6 तो इस वाली कॉमन जो कॉमन टर्म्स वाली एपी रहेगी उसका कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 6 अब मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है तो मुझे लॉजिक क्या लगा रहा था कि अगर मैं फर्स्ट वाली जो एपी है इसका लास्ट टर्म पता कर ले इसका लास्ट टर्म आपने बताया कितना रहा 169 कितना बताया था 179 यस सर 169 ठीक है और इसका लास्ट टर्म कितना रहा था 101 ठीक है अब दोनों में से जो छोटा है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसका ये जो TN होगा कॉमन वाले का ये हमेशा 101 से छोटा ही होगा क्या ये सबको दिमाग में बैठती बात यस सर ठीक है अब TN का फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि a+n-1 × d इज लेस देन इक्वल टू 101 अब या तो इक्वेलिटी आएगी या तो इनइक्वेलिटी आएगी देखते हैं क्या आती है n की वैल्यू यहां से तो यहां पे अगर आप वैल्यू पुट अप कर दोगे a मतलब फर्स्ट कॉमन टर्म कितना है 5 5 n-1 × d कितना है 6 इज लेस देन इक्वल टू 101 है ना यहां से कितना रहे n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 101 - 5/6 कितना आ रहा है ये बताना 17 n less than equal to 80 अब देखो यहां पे तो इंटीजर आ गई n की वैल्यू है ना तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 18 नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो जाएगी 18 के बात समझ में और वो 18th टर्म कौन सी होगी ये खुद ही 18th टर्म कौन सी होगी ये खुद ही 101 है ना आप रख के देखो यहां पे इनको 18 यस सर क्लियर है तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो गई 18 और लास्ट कॉमन टर्म कौन सी हो जाएगी 101 क्या ये बात समझ में आई सबको बोलो जल्दी सर n की वैल्यू थी सर 17 थी 17 n की वैल्यू आई थी n की वैल्यू थी वो तो 16 ठीक है जो भी आप कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेशन आप लोगों ने किया क्लियर है सबको यस सर तो ये आपका आ जाएगा 17 ठीक है तो कहने का मतलब ये देखो इस पे क्वेश्चन आना इस बार चांसेस है अब क्वेश्चन है ना दो कॉमन एपी तीन कॉमन एपी भी आ सकता है ठीक है चलो एक और ट्राई करो आप लोग ये वाला इसका आंसर सब लोग ट्राई करके बताओ कितना दो एपी आपको गिवन है जल्दी से कर लो दोनों के लिए लास्ट टाइम पता कर लो कितनी आ रही
कैलकुलेशन चेक करना, ये आ रहा है क्या? बोलो। यस सर। यस सर, ये ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ जो कॉमन टर्म्स वाली सीक्वेंस होगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 35 है और फर्स्ट टर्म उसका 68 है। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा एलसीएम ऑफ डी1 एंड डी2, अभी सिखाया था। एलसीएम ऑफ डी1 एंड डी2 मतलब 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म कितनी है उसकी? 68। पहली कॉमन 60, पहला कॉमन 68 आ रहा था। 22 आ रहा है। वही तो करो, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। इसमें 5-5 ऐड करते जाओ तो अगला ही तो आएगा 22, है ना? यस सर। पहला कॉमन टर्म कौन सा आ जाएगा? 22। अब लॉजिक अगेन यही लगाओगे, जो लास्ट कॉमन टर्म होगा वो किससे छोटा होना चाहिए? बोलो। 2094। बस यहाँ पे अप्लाई कर दो, a plus n minus 1 into d should be less than equal to 2094। यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे, a फर्स्ट टर्म 22, n minus 1 into d कॉमन डिफरेंस LCM that is 35, less than equal to 2094। यहाँ से बताओ n की वैल्यू क्या आ रही है? less than equal to इंटीजर तो नहीं आएगी। हाँ तो बताओ डेसिमल में पिछली, मुझे डेसिमल में कितनी आ रही है? 60.2 आ रही है। 60.2। ओके ठीक है, तो आप एन की वैल्यू इंटीजर कौन सी ले लोगे इसमें? जो लास्ट कॉमन टर्म होगी लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन वाली में कौन सी आएगी? 60 आ जाएगी, है ना? एन की वैल्यू तो इंटीजर होनी चाहिए ना, बोलो क्या बात समझ में आई? इससे छोटा वाला इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 60। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो जाएगी? 60। और लास्ट कॉमन टर्म्स कौन सी हो जाएगी? ए 60 पता कर लोगे, है ना? ए प्लस 49 डी, ए अगेन 22 प्लस 59 इनटू डी, डी मतलब 35। तो लास्ट कॉमन टर्म आ जाएगी। ये क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। आ गया ये आ सकता है इस बार आपको, ठीक है ध्यान रखना। चलो एक बार वो घर पे दोनों बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा समझ। यहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिख दी आपके लिए नोट्स के लिए, आप एक बार घर पे देख लेना, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे गिवन है। अब देखो उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए देखो ध्यान से, यहाँ पे एक अच्छा एक इलस्ट्रेशन है कि दिस आर इन द एपी, देन प्रूव दैट 1/A, 1/B, 1/C आर ऑल्सो इन द एपी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको सीक्वेंस क्या क्या गिवन है, देखो ध्यान से, बी प्लस सी माइनस ए बाई ए, एक तो ये है, अगला सी प्लस ए माइनस बी by b, और अगला a plus b minus c by c। ये ap में, ये किसमें? बोलो ap में। आपको क्या प्रूव करना है, आपको लाना क्या है? 1/A, 1/B, 1/C भी ap में हो ये प्रूव करना है। तो इससे ये कैसे क्रिएट करें? अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई थी कि अगर कोई सीक्वेंस ap में तो उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी क्या रहेगा? ap में रहेगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे इससे ये क्रिएट करना, तो आप दिमाग लगाओ, पहली चीज क्या करूं? देखो यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट टर्म अगर क्रिएट हो जाए तो मेरा काम हो जाए, ये ऊपर को सीक्वेंस बराबर बनाना है, तो क्या करें सर? बी प्लस सी और माइनस वन, मतलब बी प्लस सी बाय ए माइनस वन कर दे, और सी प्लस, नहीं नहीं और सोचो उससे नहीं जाएगा, फिर प्लस वन कर दे सब, और सोचो उससे आसान तरीका है सर। इसमें पहले तो कोई कांस्टेंट पुट कर दे तो, आपके पास बी प्लस सी, सी प्लस और ये बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा करो ताकि अच्छा बन जाए। अगर सर वहाँ पे इनको सेपरेट कर ले, बी प्लस सी बाय ए और माइनस वन में, और उधर भी सी प्लस ए बाय बी और उधर भी माइनस वन हट जाएगा वहाँ से। हाँ वो भी कर सकते हो, और अगर मान लो ए प्लस बी प्लस सी क्रिएट करना तो क्या ऐड करें? टू। देखो ध्यान से, अगर इन सब में टू ऐड कर दें तो क्या अभी भी एपी में रहेगी सीक्वेंस? जैसे टू ऐड करोगे देखो ध्यान से, ऊपर टू ए बनेगा, टू ए माइनस ए से कैंसिल होकर ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ पे भी टू बी बनेगा, टू बी माइनस सी से कैंसिल होकर ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, हाँ है ना? यस सर। दिख गया सबको? देखो एक कॉन्स्टेंट नंबर अपन ने ऐड किया टू, जिससे पूरी सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट होगी? ए प्लस बी प्लस सी बाय ए बाय बी सी। अब इन सब में क्या करें? ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें। Yes, sir. Yes, sir. हर चीज को a plus b plus c से डिवाइड कर दोगे, अभी भी किस में रहेगा? ap में रहेगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे. Next, एक और एक सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे दिया, घर पे ट्राई कर लेना, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, अच्छा मुझे ये बताओ, तीन टर्म्स अगर ap में लेनी रहती तो क्या लेते थे?
इसमें लॉजिक क्या रहता था, ये लॉजिक याद रखना, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एपी में कंसीडर करना, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी में कंसीडर करनी हो ना, तो तरीका क्या रखना, मिडिल टर्म को क्या मान लो ना ए, मिडिल टर्म को क्या मान लो कि ए है ना, yes, बोलो yes, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कंसीडर करना, मिडिल टर्म को ए मान लेना, आप डी एक तरफ डी ऐड करना, एक तरफ डी सब्सट्रैक्ट करना, अगली टर्म निकालने के लिए, एपी के अगली टर्म निकालने के लिए यहाँ पे डी ऐड हो जाएगा, इसके पहले वाली टर्म में क्या हो जाएगा, डी सब्सट्रैक्ट है ना, तो ये देखो तीन थ्री टर्म्स इन द एपी का काम हो गया। अगर बोला फाइव टर्म्स इन द एपी, तो फाइव टर्म्स इन द एपी में अगेन मिडिल टर्म ए ले लिया, इसमें डी ऐड किया तो ये मिल गई, इसमें डी सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गई, पांच टर्म लेनी इसमें एक और डी ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगी, इसमें डी सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो मिल जाएगी, तो पांच टर्म एपी में लेने का ये तरीका हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, यस यस सर। और अगर मान लो बोलता है कि भैया इवन नंबर ऑफ टर्म्स लो, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर लेनी, जैसे एग्जांपल ले रहे थे चार टर्म लेनी है, तो चार ही का जनरली आपको क्वेश्चन आता है, तो चार टर्म, अब देखो यहाँ पे तो मिडिल टर्म तो नहीं आएगी, दो मिडिल टर्म आएगी यहाँ पे तो, है ना? Yes, sir. तो दो मिडिल टर्म आपकी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आपकी दो मिडिल टर्म हो जाएगी, है ना? Yes, sir. इसे ये, 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 एक मिनट, स्क्रीन हट गई क्या? हाँ, सर हट गई। कर दी मैंने, एक मिनट इसको आईडी कर दे। अब हाँ, क्या कह रहा था मैं, हाँ ये आपकी दो मिडिल टर्म हो जाएगी। अब इस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2D का, यहाँ से यहाँ आने में 2D ऐड करना पड़ेगा, है ना? कॉमन डिफरेंस कितने का, 2D का है, देखो ऐसे याद रह जाएगा। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी, इसमें 2D ऐड करोगे तो a+3d, बहुत बढ़िया बच्चों, इसमें 2D सब्सट्रैक्ट करोगे तो a-3d। चार टर्म अगर एपी में लेनी तो इस तरह से ले लेंगे, तीन टर्म पांच टर्म लेनी तो ये ले लेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म प्रोडक्ट दिया हुआ, तो क्या नंबर पता कर सकते हो तीन टर्म एपी में लेके? यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया, घर पे जाके ट्राई कर लेना, आराम से इसको रिसॉल्व कर लेना। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। कॉन्सेप्ट है, यस सर। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ द ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, ये बेसिक क्वेश्चन अगेन, सारे तीन डिजिट नेचुरल नंबर जो 7 से डिविजिबल है, सबसे पहला 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा हो जाएगा? 105। हाँ, अब देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे 7 से डिविजिबिलिटी हो, तो फर्स्ट जनरली बच्चों को दिक्कत आती है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे पता करें, तो मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूं। देखो अगर फर्स्ट टर्म पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, आपको कोई भी चीजें पूछे सब कुछ आ जाएगा, SN जो भी पूछे निकल जाएगा। तो देखो फर्स्ट टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, अब थ्री डिजिट बोला, तो पहला थ्री डिजिट नंबर बताओ कौन सा होता है? 100। आप क्या करो, 100 को जिसका भी डिविजिबिलिटी पूछा उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 100 को उससे क्या कर दो, डिवाइड, और देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 100 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो रिमाइंडर 2 है ना, बोलो। यस सर। सही है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बोलो। यस सर, यस सर। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो, 7-2 कितना करोगे, 5 है ना, 100 में 5 ऐड कर दोगे तो आपका पहला टर्म कौन सा हो जाएगा, 105। क्लियर है? यस सर। पहला इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके जो टर्म आएगा उसमें इस 100 में ऐड कर देना, तो फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा हो जाएगा, 100 है ना। क्लियर? अरे लॉजिकल है, उसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट टर्म निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट कर देना, तो लास्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे बड़ा लास्ट 999 है ना, 999 को 7 से डिवाइड करोगे तो 999 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1, ये कितना आएगा, 7 to the 14, रिमाइंडर कितना है, 5 है ना। सही है, आपको बस कुछ नहीं करना है, इस 999 में बस 5 क्या कर देना, डायरेक्ट रिमाइंडर को ही सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 994। तो ये आपका लास्ट डिजिट आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म कितना है, 105, लास्ट टर्म पता है आपको 994, जो भी सम वम पूछे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो लास्ट टर्म निकालने का तरीका, 999 को जो भी डिविजिबिलिटी बोला, अगर 5 से डिविजिबिलिटी तो 5 से डिवाइड करता, 8 से बोलता तो 8 से डिवाइड करता, 7 से बोला 7 से डिवाइड, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए रिमाइंडर उसको डिविडेंड को सब्सट्रैक्ट करके ऐड कर देना। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, कर लेना सॉल्व इसको घर पे। अब देखो जेई मेंस पे आता था थोड़ा सा, तो अब देखो इस पे भी बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट एपी के भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको कैलकुलेशन करवाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, A1, A2, A3, AN आर इन द एपी, A1, A4, A7, A16 आपको दिया हुआ है, पूछा इसकी वैल्यू क्या, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो बेसिक वैल्यू पुट अप कर दो, तो A1, A4, A7, A16
की वैल्यू हमें गिवन है 114, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इनकी वैल्यू क्या रखूं मैं? A1 की जगह क्या रख दें? A A A4 की जगह A+3D A7 की जगह A+6D बहुत बढ़िया A16 की जगह A+15D इक्वल टू 114 तो यहां से कोई ना कोई एक रिलेशन आ जाएगा AOD में यस सर ठीक है तो ये A कितनी बार ऐड हो रहा है 1 4 7 17 पहले तो ये पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स इसकी है ना यस सर तो कितनी टर्म्स आ रही है 1 से लेके 1 4 7 और कहां तक जा रही 16 तक तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6 ठीक है तो ये A कितनी बार ऐड हो रहा 6 बार है ना और D कॉमन ले लोगे तो 1+3+6 डी कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये बच जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 6A+D और यहाँ पे इसको ये ऐड हो जाएगा सम ऑफ द एन टर्म्स अरे है ना एन टर्म ऑफ द एपी n/2 2a+ n-1 × d इक्वल टू 114 तो यहाँ से आपके पास बेसिकली बच्चों a और d में एक रिलेशन आ जाएगा उस रिलेशन को आप इसमें यूज कर लेना जो भी पूछा है क्लियर है यस सर यस नहीं आया समझ में आ गया सर कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी है ऑलरेडी आप जैसे ही वैल्यू पुटअप करोगे 2a+15d की वैल्यू 38 आ जाएगी और जब इसमें वापस वैल्यू पुटअप करोगे तो 2a+15d पुटअप करना देखो ध्यान से आसान था कि नहीं क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर देखो कि आपको मैंने पहले से हर बार हर क्लास में हर चैप्टर में यही मैं बोलता हूँ कि पूरे जितने भी आपके मैथ्स में चैप्टर है टोटल कितने चैप्टर है अपने पास मैथ्स में अरे बोलो 28 ठीक है मान लो 20 है अप्रोक्सीमेटली उन 20 चैप्टर में से किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएगा ये हमें पता होता है क्या नहीं सर तो इजी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ सकता है और अगर वो इजी आया ना तो वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछेगा अब देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया जो डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड था है ना अब ये हो सकता है इस बार टफ आ जाए हो सकता है इजी आ जाए इजी आया तो हमारे लिए फायदा ही तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए हर चैप्टर के पता होना चाहिए क्या बात समझ में आ रही है यस अब देखो एक और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया अगेन कैलकुलेशन वाला था पढ़ो ध्यान से द कॉमन डिफरेंस ऑफ B1 B2 B3 BM is 2 more than the common difference of the AP A1 A2 A3 AN A40 given hai A100 given hai B100 ki value iske terms mein given hai to first term kya hoga ab dekho mujhe batao A40 given hai aapke paas kisi AP ka aur A100 given hai ye to class 10th mein se question kiye the agar kisi AP ki do term pata ho to kya aap A aur D nikal sakte ho yes sir yaad aa raha hai class kaksha 10th बताओ मुझे A40 की वैल्यू क्या हो जाएगी A+39 इसकी वैल्यू आपको गिवन है 159 A100 मतलब A+99 इसकी वैल्यू 399 अब क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल यहां से A पता चल जाएगा D पता चल जाएगा यस सर वेरी गुड अब दूसरा रिलेशन क्या गिवन आपको ध्यान से देखो B100 इक्वल टू A70 हां है ना यस सर मुझे इसका अगेन इसका फर्स्ट टर्म B1+99 इसका कॉमन डिफरेंस मान लो D2 बोल दिया इक्वल टू A79 मतलब A+69 क्या बात समझ में आई यस सर अब क्वेश्चन में देखो एक लाइन क्या गिवन है फर्स्ट लाइन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द B1 B2 इज 2 मोर देन दिस तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा D+2 हां D+ पहले वाले का कॉमन डिफरेंस +2 है ना यस सर देखो आपको यहां पे D2 पता है ये तो ऑलरेडी पता है A1 और D1 तो क्या यहां से B1 आ जाएगा क्या पूछा के उसको ढंग से निकालोगे तो बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाएगा बस उसमें सिली मिस्टेक मत करना आसानी से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं 2019 और 2020 के दो क्वेश्चन है अभी 23 के भी बहुत सारे ऐसे आसान क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको वहां पे बस कॉन्फिडेंटली सिलेक्ट करना है क्वेश्चन कि कैसे भी करके मेरे इजी क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन में मेरे नंबर नहीं छूटना चाहिए क्या है समझ में ये बात यस सर सॉल्यूशन भी मैंने दिया घर पे जाके जिसको प्रैक्टिस करना आराम से प्रैक्टिस कर लेना और मैच कर लेना अपने अपने आंसर अगेन 2020 में एक और क्वेश्चन आया था दूसरा उसी में एक किसी और अटेम्प्ट में
the sum of the series up to n term is this, so nth term is negative, then अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें बस कैलकुलेशन के लिए, लेकिन क्वेश्चन इजी और मीडियम लेवल का ही है। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, क्या गिवन है सर? सम गिवन है सीरीज का सर, फर्स्ट टर्म ए गिवन है, डी एसएन गिवन है सर, पहली बार ये एसएन गिवन है, क्या फर्स्ट टर्म पता है? यस सर। क्या कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो? यस सर। 19.3 अब तो बस थोड़ा सा डेटा गंदा दिया है, बाकी तो कुछ दिमाग वो तो बड़ी बात थोड़ी है ना, ये डी निकल जाएगा सर। सारी बात उसने तो सर ये भी नहीं बोला कि एपी, अच्छा एपी नहीं बोला है, आप पहले चेक कर लेना, वो भी चेक करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने, पहले चेक कर लेना एपी है कि नहीं, पता चला अपन तो एपी मान के अभी खैर पढ़ा रहा था तो मेरे अपना फ्लो फ्लो में अपन ने बोल दिया, लेकिन पहले चेक कर लेना एपी है कि नहीं, है ना, वो तो कर लोगे चेक? यस सर। यस एपी, एपी तो चेक कर लेना कि भाई डिफरेंस डी निकाल के देख लेना एपी है कि नहीं। आपको आपको देखो मेन यहां पे ये क्या, हां यहां पे एन निकालने के लिए क्या करोगे, ऐसे बोलो एन निकालने के लिए एसएन का फार्मूला अप्लाई करोगे, है ना? यस दो वैल्यू आएगी, उसमें से कौन सी एक्सेप्ट करें कौन सी रिजेक्ट करें, ये कैसे पता चलेगा? एक्सट्रीम नेगेटिव नेगेटिव वाली हटा। हां क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है आपको कि nth टर्म इज नेगेटिव, क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है? nth टर्म नेगेटिव है, nth टर्म नेगेटिव है, इन दोनों से इन दोनों के क्या निकाल लेना, nth टर्म निकाल लेना, क्या निकाल लेना, nth टर्म, क्लियर है? जो नेगेटिव आएगी उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, जो पॉजिटिव आएगी उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एसएन पता है, आपके एन 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 निकाल लोगे, हां है ना? यस सर। क्लास 10th में हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने किए होंगे, मैंने तो आपको 10th में नहीं पढ़ाया, लेकिन nth आपने निकाल लोगे तो nth की दो वैल्यू आएगी, उसमें से कौन सी एक्सेप्ट करनी कौन सी रिजेक्ट करनी, क्वेश्चन बोला nth टर्म नेगेटिव है तो जो नेगेटिव उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हां है ना? यस सर। यस सर। और आप आसानी से आपका इसका शायद सॉल्यूशन मैंने डाल रखा होगा, देख लेता हूं, हां देखो डाल रखा है, देखो ध्यान से कैलकुलेशन पूरी कर रखी है, n की दो वैल्यू आई 40 एंड 60, 40 एथ निकाला 60 एथ निकाला तो 40 टर्म पॉजिटिव आई, 61 तो नेगेटिव आ रही, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 61 टर्म, 61 टर्म निकालोगे तो -4 आएगी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके अब देखो ये तीन क्वेश्चन जेई में पूछे गए थे 19 और 20 में, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखो 19 का, इफ द 19th टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज जीरो देन द रेशियो ऑफ द 49 एंड द 29th टर्म, तो बताओ क्या डेटा गिवन है आपको, जल्दी से क्वेश्चन पूछा क्या गया, मतलब 28 अब कैसे निकालेंगे सर, एक की जगह -18d रखे, एक की जगह -18 रख देंगे, अब और तो क्या है, आसान देगा वो, है ना? अरे बोलो इसका कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाला 30d और नीचे कितना आ जाएगा 10d 3:1 2019 का क्वेश्चन, क्लियर है सर? ये तो इजी था, माफी, इजी था, ऑफकोर्स इजी था, जे इजी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन किस चैप्टर से पूछेगा ये नहीं पता, लेकिन अगर आएगा तो आपको गलती नहीं करनी है, ये समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का, है ना? यस सर। वो आपसे टोटल 30 क्वेश्चन जो जेई में आएंगे उसमें 8 से 10 क्वेश्चन इजी रहने ही है, मेन काम है उसको छाटना, वहां पैनिक बिना पैनिक के अगर आपने प्रॉपरली इजी क्वेश्चन को छाट के अच्छे से कर लिया ना, आधे रिलीफ हो जाओगे आप, जैसे शुरू का 1.5 घंटा ऐसे ही करना, शुरू के 1.5 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन छाट के कर लेना, अगर मान लो आपने तीनों सब्जेक्ट के बेसिकली मान लो 7-7-7 इजी क्वेश्चन कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बोलो? अगर मान लो आपने 21 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लिए तीनों सब्जेक्ट के, फिर उस कॉन्फिडेंस को जब आप मीडियम और हार्ड लेवल में अप्लाई करोगे ना तो मीडियम हार्ड लेवल भी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, क्लियर है? ठीक है, बस पहले सेफ जोन में आ जाना, शुरू के 1.5 घंटे में कैसे भी करके तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन निपटा देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ये 2022 का क्वेश्चन है,
पढ़ लो एक बार, 2022 जून अटेम्प्ट में आया था। AI बोला एक एपी है, मुझे एक बार बताओ गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है। सर डिफरेंस गिवन है एपी का। हाँ क्या गिवन है? डी कॉमन डिफरेंस। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब समझो AI i बराबर 1 से लेके n इक्वल टू 192, इसका मतलब SN. हाँ मतलब बेसिकली a1 प्लस a2 प्लस a3 SN गिवन है। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, ये गिवन है 192। जो अगला डेटा गिवन है उसका मतलब समझो मुझे a2i i बराबर 1 से लेके n by 2 तक। सर मतलब n टर्म्स तक, इवन टर्म्स का जो। हाँ अब इसमें i की वैल्यू रखते जाओ, i की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, बदलो पहला टर्म a2, i की वैल्यू 2 रखोगे तो a4, i की वैल्यू 3 रखोगे तो a6, i की वैल्यू n by 2 रखोगे तो an equal to 120, हाँ है ना? Yes sir। ये दो टर्म गिवन है, पूछा क्या है n, पूछा है क्या, पूछा है n, d भी पता है आपको। एक मिनट यार, मेरी चार्जिंग खत्म हो रही है, एक बार चलो, एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ, बताओ एन की वैल्यू कितनी है, सब लोग ट्राई करो। आया आंसर? नहीं सर रुक जाओ, करो करो करो, चलो छोटा सा ही लॉजिक है, लगाओ दिमाग। क्या रहा है बी? ओके मुझे बताओ ये जो फर्स्ट रिलेशन है यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट वाली यहाँ से बोलो। इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, ये वाली है ना? यस सर। यस सर। n by 2 a, या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो या फिर a प्लस n माइनस 1 इनटू d कर दो, तो a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इनटू d मतलब 1 इक्वल टू 192, तो पहला रिलेशन आ गया यहां से। यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, n इंटू ए वन प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डिवाइड बाई 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 9 2 18 प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सबको ये समझ में आया? पर यहाँ पे 2a क्यों नहीं करा, ये तो फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी फर्स्ट टर्म तो a1 है ना, अच्छा 2a सॉरी सॉरी, हाँ अच्छा फॉर्मूले में 2, हाँ ठीक है, क्लियर है अब? यस सर। वेरी गुड, अब मुझे बताओ इसका क्या लिखो, इससे क्या रिलेशन आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे, n by 2, n by 2 है ना, देखो यहाँ पे दे तो रखा है नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन वहाँ पे n by 2 तक ले गए, अरे n by 2 तो है नंबर ऑफ, ये 2 को उधर भेज दिया। ओके सर आ गया सर, कैलकुलेशन में डिवाइड वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, सिंपल कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो 2 डिवाइड में था उसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n by 2 है। यस सर। अगर बोले देखो टोटल टोटल इवन टर्म्स है तो आधी ऑड आधी इवन होगी, है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वापस n by 2, तो n by 2
टू ए, इस बार फर्स्ट टर्म कौन सा है, ए टू, ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, टू। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दो का रहेगा, अगर इसका कॉमन डिफरेंस वन है तो इसका कॉमन डिफरेंस टू रहेगा, है ना सर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, क्या ए टू की जगह क्या लिख सकते हो, ए वन प्लस डी, ए प्लस वन, है ना, ए वन प्लस डी। एन और ए में दो रिलेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वहां से एन आ जाएगा, कैलकुलेशन आ गए तो मेन तो दो इक्वेशन बना दिए आपके, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनी वन। सर ये ए टू को आपने क्या लिखा है, मतलब ए टू सेकेंड टर्म है ना, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म प्लस ए वन प्लस डी लिख दिया, ए प्लस डी, डी वन था ना, ठीक है, यही बात समझ में। सर वैसे इसको मतलब हम माइनस नहीं कर सकते कि हम जो पहले हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसमें से नीचे वाली माइनस करो, और नीचे वाली से माइनस करोगे तो आपके पास ऑड टर्म्स की सीक्वेंस आ जाएगी, लेकिन उसका करोगे क्या फिर, आपके पास ऊपर दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव, लेकिन उससे मेरे को मिलेगा क्या, समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ठीक है। अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं करना था, दोनों सीक्वेंस से दो रिलेशन बनाने, ए और डी में, ए और एन में, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करके ए और एन आ जाएगा, ये नहीं आया समझ में क्या? आ गया सर, आ गया, आ गया, नहीं आया तो बोल देना, वापिस समझा दूंगा, ठीक है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेगा, ए और एन आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से अगला, ए वन ए टू ए थ्री एन बी वन बी टू बी थ्री आर इन ए पी, ए वन पता है ए टेन पता, तो ए वन ए टेन से मेरे पास ए ओ डी आ जाएगा इसका, दो टर्म्स अगर पता है मेरे को तो अभी जो किया था इसका, इसका फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। जो अब जो ए वन इंटू बी वन दिया है वन, ए टेन इंटू बी टेन भी दिया हुआ है आपके पास वन, तो यहाँ से आपको बी वन पता चल जाएगा, बी टेन पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा। अब देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था, है ना? यस सर। यहाँ पे ए वन की वैल्यू टू रखोगे तो बी वन कितना आ जाएगा, वन बाई टू। यहाँ पे ए टेन की वैल्यू थ्री रखोगे तो बी टेन कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री। अब किसी एपी का अगर दो टर्म्स पता तो उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा। यस सर, यस सर। अब दो एपी के कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म पता, तो ए फोर इंटू बी फोर की वैल्यू पूछी है, ये भी निकाल लोगे। यस सर, यस सर। ये देखो एपी पे इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, बेसिक एपी पे, सम पे और प्रोडक्ट पे, तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से जेई पूछ सकता है। दो दो तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, उनका सॉल्यूशन भी दिया, घर पे ट्राई कर लेना, क्लियर है यहाँ तक? और सम अगर देखो यहाँ पे एस एन दिया है, उसके बाद कि सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस बोला है, ठीक है, एस एन, एस एन इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस थ्री है, तो पूछा 50th टर्म क्या होगी इस टर्म की सीक्वेंस की, सर n की जगह 1 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे, नहीं उससे तो s1 s2 s3 आएगा, उससे आसान एक और तरीका बताओ, sn - sn - वेरी गुड, sn - sn - 1 से आपके पास क्या पता चल जाएगा, सर n, है ना, sn तो आप लिख दोगे क्या, 2n स्क्वायर प्लस 3n, है ना? यस सर। और sn - 1 कैसे निकालेंगे सर, n - 1 रख देंगे, और यही करना है, इससे आपके पास आ जाएगा टी एन 50-50 पूछा तो एन की जगह क्या रख दोगे, क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। चलो ये और यहाँ पे दो तीन सीक्वेंस, सम ऑफ द कॉमन, अच्छा देखो 2022 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही, कॉमन कॉमन टर्म्स वाला क्वेश्चन आ गया, जो कॉमन टर्म की सीक्वेंस बनी उसका सम पूछा है ना, अभी सिखाया था मैंने आपको, याद आ रहा है? ठीक है, आप नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लोगे, कॉमन डिफ एन पता है, डी पता है, ए पता है, ऐसे उसका सम निकाल लोगे, है ना? यस सर, यस सर। देखो अब बेसिकली ये एपी में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए, और भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाल दूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका अर्थमेटिक मीन। सबसे बेसिक डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन की जो आपको सीखनी है वो ये है कि अगर अर्थमेटिक मीन दो तरह से यूज होता है, इंसर्शन ऑफ द अर्थमेटिक मीन और तीन नंबर का अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ए और बी दो नंबर है, तो इनका अर्थमेटिक मीन, मीन कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम डिवाइड बाय टू, है ना, बी बाय टू, ये रहे सबको अर्थमेटिक, किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना तो क्या करोगे, मीन आपको पता ही है ना, मीन अपन बचपन से कर रहे हैं, उन दोनों का सम डिवाइड बाय टू, है ना? यस सर। अच्छा हाँ, केमिस्ट्री क्लास 12th वाले बच्चों, वो सर अभी पंजाब गए हुए, तो आपकी केमिस्ट्री क्लास 1 तारीख से स्टार्ट चलेगी, ठीक है, 1 जनवरी से, उसके पहले मैथ्स और फिजिक्स चलेगा, तो जहां जहां भी हुआ तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको कवर कर दूंगा, ठीक है? फिजिक्स लाइव होगी क्लास? फिजिक्स ही वही रात को चलती जो रेगुलर टाइम पे, ठीक है, क्लियर है? सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास आपकी 1 तारीख से,
सर इस बैच में आते हैं उसकी लिंक तो नहीं नहीं वो दूसरे बैच की बात कर रहा हूँ मैं जो 12th के जो रेगुलर वाले पुराने बच्चे ठीक है चलो yes, अब ये देखो ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा था हाँ अगर दो नंबर ए और बी उनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू है ना क्लियर है सबको yes, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो तो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब क्या है पहले कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से कि आपको दो नंबर दे देंगे ए और बी और बोलेंगे ए और बी कोई भी दो रैंडम नंबर है कोई भी दो रैंडम नंबर अपने उठा लिया अपनी मर्जी से कोई भी दो रैंडम नंबर उठा लो और वो बोलेंगे कि इसके अंदर एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो तो बेसिकली क्या है कि एन नंबर इसके अंदर इंसर्ट करो अब इंसर्ट करने के बाद बेसिकली होगा क्या ये जो पूरी सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जानी चाहिए इस तरह से आपको नंबर पुटअप करना है ताकि पूरी सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए बोलो एपी में पूरी सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए एपी में तो कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना जिसको आता है वो भी ध्यान सुनना ठीक है आते हैं तो भी गलतियां होती इसमें और इस पे क्वेश्चन आएगा ए और बी कोई भी दो नंबर है और एन नंबर अपन को इन दोनों के बीच में इस तरह से इंसर्ट करना है ताकि वो पूरी की पूरी सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाए एपी में अब आपको ज्यादातर क्वेश्चन क्या आएंगे कि ये नंबर किस तरह से आप इंसर्ट करें अब आपके पास बेसिकली एक सीक्वेंस जो कि एपी में गिवन है उसका फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो आप क्या निकालोगे सबसे पहले डी है ना सबसे पहले क्या निकालोगे क्लियर है बोलो यस सर डी निकालने के लिए आपके पास क्या क्या गिवन है वो अपन गिवन डेटा को ध्यान से एनालाइज करते हैं क्या फर्स्ट टर्म पता है यस सर यस सर फर्स्ट टर्म पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 2 ये n टर्म्स ये n और उसमें दो एक्स्ट्रा n प्लस 2 है ना यस सर यस सर और लास्ट टर्म कौन सी है b के बराबर लास्ट टर्म बी और फर्स्ट टर्म ए के बराबर तो फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो यहां से डी आ जाएगा फॉर्मूला अप्लाई कर देना ए एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का तो ए एन लास्ट टर्म है बी फर्स्ट टर्म है ए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा डी आ जाएगा क्या आ जाएगा डी अब मुझे बताओ ए वन की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन ए प्लस डी फर्स्ट टर्म में डी एड कर देंगे है ना सेकंड टर्म निकालने का तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दोगे अब इसके बाद इसके अगले टर्म पता करना तो इसमें डी ऐड कर दो a1 में डी ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा a प्लस वापस से डी ऐड करोगे तो 2d अर्थमेटिक मीन की थर्ड पता करना था a प्लस 3d है ना और ये जो nth अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट किया ये कितना आ जाएगा a प्लस nd क्या ये बात समझ में आई यस सर वेरी गुड एक और रिजल्ट जो काम आता है इन सब का सम तो इन सब का अगर मैं सम कर दूं सारे अर्थमेटिक मीन जो मैंने n अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट किए हैं n अर्थमेटिक मीन का सम कितना आ जाएगा इन सब का सम बताओ n a हां n टाइम्स a a a बाय 2 दैट इज n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर क्लियर है यस सर यस सर ठीक है तो देखो दो तीन चीजें हैं वापिस समझ जा रहा हूं ध्यान से देख लो कोई कुछ कह रहा है क्या ठीक है अगर मान लो दो नंबर है ए और बी आपने इसमें कुछ अर्थमेटिक एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया ध्यान रखना मैंने एन क्या है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड इस बार एन क्या है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड ये एन की वैल्यू यहाँ पे आपका जो डी आएगा कैलकुलेशन करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा इसके बाद आपको जो भी टर्म पता करनी हो ए इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस डी ए टू की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस टू डी कोई भी अर्थमेटिक मीन पता करना हो वो हो जाएगा a प्लस nd और तो तीसरी चीज हमने जो सीखी कि इन सब जो n अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए इनका जो सम आएगा वो हो जाएगा n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ab दैट इज n टाइम्स a प्लस b बाय 2 क्या बात समझ में आ रही है यस सर एक बेसिक क्वेश्चन अगेन कि इंसर्ट थ्री अर्थमेटिक मीन बिटवीन 9 एंड 3 एंड 19 तो 3 और 19 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने तीन A1, A2, A3, ठीक है आपके पास फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या निकालोगे डी निकालोगे यस सर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 तो यहां से डी आ जाएगा यस सर डी आ जाएगा तो a1 a2 a3 तीनों आ जाएंगे क्लियर है यस सर प्रॉपर्टी अभी बता दिया मैंने आप 10 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 80
देन विच वन इज द फिफ्थ अर्थमेटिक मीन, तो पांचवा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बता दो. a plus 5d. वेरी गुड. फर्स्ट हम पता ही आपको 3 + 5 इंटू डी निकालना है. डी निकालने का तरीका b minus a upon n, है ना? बोलो. yes, sir. b minus a upon n. total mean insert की 10. n की value कितनी है? 10 है ना? yes, sir. यहाँ से d आ जाएगा. d की value यहाँ put up करोगे आपके पास ये आ जाएगा. क्या बात समझ में आई? yes, sir. okay. ठीक है, सब कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस है, इसमें अपन समय नहीं बिता रहे. घर पे आप प्रैक्टिस करना, कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट अच्छे सीखे. अब देखो ये JEE 2020, अब ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, अप्लाई करो. 2022 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के. तब तक मैं कैलकुलेशन करता हूं, आप भी करो और बताओ आंसर कितना आएगा. और देखना मेरा तरीका कि मैं किस तरह से गिवन डेटा उतारता हूं, कितना साफ सुथरा गिवन डेटा उतारूंगा ना, गलती होने के चांसेस कम होते हैं. ये गिवन डेटा आपको, वो पूछा n की वैल्यू क्या होगी. आया आंसर? नहीं सर, रुक जाओ बस. करो करो करो. अच्छा मैं कैलकुलेशन करूं, तब तक मुझे बताओ तो a1 और an का रेशियो हमको 1/7 गिवन है क्या? हां सर. यस सर. a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a+d. और an की वैल्यू? a+n. वेरी गुड. एक रिलेशन ये है और दूसरा हमको बोला a प्लस n का सम दिया है 33. और d निकालने का तरीका तो पता ही आपको. हाँ है ना, d का फॉर्मूला बता दो. सर 100 माइनस a बाय के n प्लस 1. हाँ, b माइनस a अपॉन n प्लस 1. ध्यान रखना है पे n क्या, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड. कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड? n प्लस 1. तो ये d आ गया. अब बस प्रॉपरली मैनिपुलेशन करना है, कैलकुलेशन करवाई और कुछ भी नहीं. तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल a, n और d. पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल और आपको a, n और d निकालना है.
Again, sir. Sir, C. C, very good. Sir, 23 are you, N key value. C. ठीक है, कैसे करें? मैनिपुलेशन से और कुछ भी नहीं आया ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस डी है, तो चाहो तो d की वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप d की वैल्यू पुट अप करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 100 माइनस a अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस n इंटू 100 माइनस a अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 1/7। यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट कर लोगे, आया ना? Yes, sir. उसमें a प्लस एन की वैल्यू भी पुट अप कर देना, आपके पास आई थिंक a आ जाएगा। मतलब a की जगह a की वैल्यू भी पुट अप कर देना आप n के टर्म्स में। a की जगह क्या रख दोगे, 33 माइनस n, है ना? कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. तो कहने का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा आपसे कैलकुलेशन करवाएगा और कुछ भी नहीं, तो आपको बस गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतारना। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. 7 बज गई, एक घंटे में अपन ने एपी कंप्लीट कर लिया है। आगे कंटिन्यू करें, थक तो नहीं गए? नो सर। ठीक है, कर लीजिए सर। हाँ करेंगे, इसे पूछूंगा थोड़ी ना तुमसे, तुम ना भी करते तो भी होता है सब लोग। क्लियर है? यस सर। है ना? यस सर, क्लियर है। यस सर। जीपी, जीपी का मतलब बोले तो आपको पता ही है कि यहाँ जैसे वहां पे अपन कॉमन डिफरेंस डी एड भी करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमें अगर ए, तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके अपनी सीक्वेंस को अगर आगे बढ़ाता हूं, तो इस तरह की सीक्वेंस को मैं बोलता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे इस जहां पे वहां पे कॉमन डिफरेंस बोलते थे डी को, क्यों? क्योंकि वहां पे हर टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता था, कॉमन आता था। यहां पे इसको बोलते हैं आर को कॉमन रेशियो, क्योंकि आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो लोगे आगे वाले का पीछे वाले के साथ, वो वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, आर के बराबर। तो आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ए मेरा अगेन वही फर्स्ट टर्म, और इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीपी। ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, ये मेरी सेकंड टर्म हो गई, ये मेरी थर्ड टर्म हो गई, ये मेरी फोर्थ टर्म होगी। तो आप देखोगे ऑब्जर्वेशन के फोर्थ टर्म में पावर 3 आ रही है, तो nth टर्म में पावर बेसिकली जो भी टर्म है उसमें एक पावर 1 कम आ रहा है, थर्ड टर्म में पावर 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में पावर 3 आ रही है, फिफ्थ टर्म में पावर 4 आ रही है। तो इसी तरह से nth टर्म में आपकी पावर क्या आ जाएगी, ए आर की पावर एन माइनस 1। तो जीपी में पहला फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ द जीपी का फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस 1। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब इसमें वही सेम चीज, इसका अगर सम निकालें, इन सबका मैं सम कर दूं, तो सम का फॉर्मूला भी आता है, बताओ क्या आता है? a ब्रैकेट में एक r की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, r नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। अगर r 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीपी नहीं रहेगा कि क्या होगा? ap हो जाएगा। r अगर 1 हो जाएगा, सारी टर्म्स a के बराबर हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो वो एपी भी रहेगा, जीपी भी रहेगा, उन सबका सम। ए ए ए ए की टर्म को एन बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, है ना? क्लियर है? ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला ए एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो आपका जो कॉमन डिफरेंस है आर, ये अगर आपका 0 और 1 के बीच में आ जाए, ठीक है, मतलब आपकी जो ये बनेगी सीक्वेंस ए ए आर ए आर स्क्वायर AR क्यूब सो ऑन, अब ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस बन जाएगी। कन्वर्जिंग मतलब वैल्यू घटती जाएगी धीरे धीरे, वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, है ना? जैसे R की वैल्यू 0.5 है, तो उसकी जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ये सीक्वेंस आगे घटती जाएगी। yes, बोलो sir. और कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्जिंग हो उसको बोलते हैं अपन इनफाइनाइट जीपी। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट जीपी। और इस इनफाइनाइट जीपी के लिए हमें याद क्या रखना है, इसके सम का फॉर्मूला। द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बता दो, a upon 1 minus r। ये लिमिट्स आप निकाल सकते हो आसानी से, लिमिट जब पढ़ूंगा उसमें आपको इसका डेरिवेशन बता दूंगा। क्लियर है? तो sn का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1।
या तो ऐसे याद रखो या फिर ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लोगे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तो, है ना। या फिर दूसरा फॉर्मूला इनफाइनाइट सम ऑफ, अगर इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी के लिए ध्यान हमेशा रखना आर कैसा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए तभी इनफाइनाइट जीपी बनेगा। लेकिन अगर आर ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो इसका तो सम फिर इनफाइनाइट आ जाएगा ना। क्लियर है? तो इनफाइनाइट जीपी के लिए बेसिक रूल क्या है कि आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो उस केस में इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बन जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। क्या ये तीनों फॉर्मूला याद रख लोगे? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अगेन यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, एन पता है, फर्स्ट टर्म पता है, आर पता है, एन निकाल लोगे, हाँ है ना। यस सर। यहाँ पे भी अगेन बेसिक क्वेश्चन, ए पता है, जो पता है सब निकाल लोगे। क्लियर है? ये भी एक आसान क्वेश्चन है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए। एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, 2019। देखो ध्यान से क्या दिया है, सर 5 की पावर 4। यस सर। सी। ऑप्शन सी। यस सर। ऑप्शन सी, वेरी गुड। क्लियर सबको? यस सर। ए थ्री अपॉन ए वन दिया था, ए थ्री मतलब बोलो ए आर स्क्वायर, A1 मतलब A equal to 25, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, आए ना? Yes sir। A9 upon A5 पूछा था, A9 मतलब A R की पावर 8 upon A R की पावर 4, A वापस कट जाएगा, R की पावर 4, आए ना? Yes sir। Yes sir। ये JEE का ही क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक एक ही नहीं है, आए ना? Yes sir। ठीक है, अगेन 2020 में A1 A2 A3 जीपी में है, ए लेस देन जीरो है, A1 पता है, A1 प्लस A2 पता है, A3 प्लस A4, दो इक्वेशन दो वेरिएबल ना, सम ऑफ द एन टर्म्स पूछा है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। क्लियर है? A1 प्लस A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस AR इक्वल टू 4, A3 प्लस A4 का मतलब क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर प्लस A³ इक्वल टू 16, है ना? यस सर। कर लोगे सॉल्व क्या? ये देखो सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बता दो, a अपॉन 1 माइनस r। कर लेना, कोई डाउट यहां तक? नो सर। नाउ नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज, अगेन जैसे वहां पे देखा था, तीन टर्म अगर जीपी में हो, जैसे तीन टर्म एपी में होती थी तो b² = a + c/2, अगर तीन टर्म अगर एपी में हो तो, तीन टर्म अगर जीपी में हो तो b² = ac। तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी हो तो मिडिल टर्म वापस ए लोगे, इसमें आर से डिवाइड करोगे, इधर आर से क्या करोगे मल्टीप्लाई, पांच लेनी हो तो मिडिल टर्म ए, आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई, फिर आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई, है ना? यस सर। ठीक है, कर लोगे सॉल्व? देखो पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द जीपी इज दिस, 4 इज एडेड टू फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म, द थ्री टर्म्स नाउ आर इन एपी, The sum of the original three terms. तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तीन टर्म जीपी में लेना है, क्या लोगे बोलो? A R और A by R, A by R और A R. Very good, A R. अब इनका प्रोडक्ट आपको दिया, जैसे प्रोडक्ट करोगे R कैंसिल हो जाएगा, A आ जाएगा, और फिर बची सीक्वेंस से A आ जाएगा। क्लियर है? Yes sir। अब देखो एक और क्वेश्चन, ऐसे जीपी का सेम टाइप से क्वेश्चन एक और पूछा गया था आपको 2020 में, पढ़ो एक बार इसको, क्या दिया हुआ, पहला डेटा क्या गिवन है, इसका मतलब बता दो, ऑड नंबर का सम। हाँ, n की वैल्यू आप रखते जाओगे यहाँ पे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, a3, n की वैल्यू फिर 2 रखोगे तो a5, ऐसे रखते जाओगे, लास्ट में n की वैल्यू 100 रख दोगे तो 201 इक्वल टू 200। और सेकंड जो गिवन है वहां पे सीक्वेंस में n की जगह 1 रखते जाओ इसमें, तो क्या गिवन है, a2 प्लस a4 अप टिल a200, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 100, है ना? पूछा क्या क्या है, समेशन n 1 से लेके 200 तक, क्या पूछा गया अपन को बेसिकली, यहाँ पे n की रखोगे तो a1
plus a2 plus a3 up till a21. कैसे पता करें? दोनों सीरीज को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर दो. तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे मेरे पास कहां से कहां तक आएगी, a2 आ जाएगा, a3 आ जाएगा, a4 आ जाएगा, a5 आ जाएगा, है ना? 200 लेकिन मुझे कहां तक चाहिए, a1 से लेके a200 तक. तो आप कैसे करें सर? S of मतलब S of 201 और आ गया है हमारे पास, तो S of मतलब हम लोग A1 जो है उससे निकाल ले किस तरीके से. हाँ, अब देखो आपके पास क्या गिवन है, इसको वापस मैं रीराइट कर रहा हूँ. A2 plus A3 up till A200 और 200 के बाद 201, इसका सम आपको गिवन है 300. ठीक है, तो आपको अगर 201 लिखना है तो A201 को कैसे लिखोगे? सम ऑफ वन नंबर और जो सम ऑफ 201 है उसमें से सम ऑफ वन नंबर हटा दे तो 300 के बराबर कर दे. हाँ, तो वो तो बेसिकली यही हो गया ना, 300 माइनस ए वन आएगा. वो तो ए वन तो फिर भी पता करना पड़ेगा ना. ए वन कैसे निकालोगे? अरे टफ नहीं है, बहुत आसान है, जल्दी बोलो. आपके पास दो इक्वेशन गिवन है कि नहीं है? Yes, sir. बस इससे दो इक्वेशन बनाओ जैसे पहले किया था. एक तो ये रिलेशन है इसे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या है, ए 201 पता है लेकिन ए वन नहीं पता है सम करने के बाद. क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल है. देखो ध्यान से, फर्स्ट वाली का क्या बनेगा, फर्स्ट वाली में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 200. यहां पे 1 5 100 कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? 100 है ना फर्स्ट टर्म. सर जो सीक्वेंस बनाया था उसमें रिवर्स करके Sn माइनस कर दें, Sn माइनस 1 तो नहीं आ जाएगा? जो सीक्वेंस हमने बनाया था उसको रिवर्स करके लिखें और फिर Sn माइनस 1 कर दें तो A1 आ जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा. देखो आप रिवर्स करके लिखिए, वो तो जीपी वाली प्रॉपर्टी होगी ना, Sn माइनस 1 कर दे. हां वो तो एपी में होता, अगर एपी में होता तो काम होता. नहीं नहीं, वो प्रॉपर्टी आप जो कह रहे ना Sn Sn माइनस 1, अच्छा वो कह रहे हो A ना, वो तो कहीं पे भी वैलिड है कोई भी सीक्वेंस के लिए. लेकिन यहाँ पे मैं पो Sn का मतलब क्या होता है ये समझो पहले. Sn का मतलब क्या, तो शुरू से लेके आखिरी n तक का सम. यहाँ पे A1 A2 A3 A4 उनका सम होता है Sn का मतलब. यस सर. यहाँ पे मेरे को कंसेक्यूटिव टर्म्स थोड़ी है, थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म सेवंथ टर्म ऑड टर्म्स का सम गिवन है, दोनों में अंतर है. ठीक है चलो, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, फटाफट निपटाओ, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आपके पास इस सीरीज का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. ठीक है, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, है ना? यस सर. ये फॉर्मूला होता है. अब दोनों इक्वेशन में बस फॉर्मूला अप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना है आपको, जल्दी देख लो. यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए थ्री के बराबर, ए थ्री मतलब कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, है ना, आर की पावर एन, आर की पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 100 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू एस एन, दैट इज 200. इक्वेशन नंबर वन क्लियर है? यस सर. यस सर. इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बना देना. सेकंड इक्वेशन में सेम सारे फॉर्मूले रखोगे. फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा, ए आर, आर की पावर एन, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 100. इन दोनों दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो भी आर आ जाएगा. क्लियर है? यस सर. कुछ भी नहीं था इसमें, बस वैल्यू पुट अप करो, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है और अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या, अभी आपको बताया था लेकिन फिर भी एक बार देख लो. अगर दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, रूट ए बी मीन, ज्योमेट्रिक मीन. क्लियर है? उन दोनों का प्रोडक्ट करके पावर कितनी हो जाएगी, 1/2. तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बोलो, पावर 1/3. इसी तरह से अगर एन नंबर है
उनका अगर ज्योमेट्रिक मीन पूछा है तो ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक फॉर्मूला इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1/n. अच्छा आप इसी चीज को मैं अगर अर्थमेटिक मीन में पूछता तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस b बाय a प्लस b बाय 2 दो तीन नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस b प्लस c बाय 2 b अपॉन 3 नंबर और n नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस b प्लस m प्लस b प्लस a n बाय k n है ना. यस यस सर. इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और अगेन कि अगर बोलता है कि ए बी सी तीन नंबर है अगर ये एपी में है तो इनमें क्या रिलेशन होगा पी स्क्वायर बराबर एसी. अरे एपी में है सब टू बी इक्वल टू ए प्लस सी. हां टू बी इक्वल टू ए प्लस सी या फिर बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2 और अगर जीपी में है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी. ये एकदम बाय हार्ट रट लेना ये सबको पता है ना. यस सर. यस सर. तीन नंबर अगर एपी में होते हैं तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2 तीन नंबर अगर जीपी में है तो मिडिल टर्म बी स्क्वायर इक्वल टू एसी. क्लियर है? ठीक है. यस सर. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके इस तरह का आपने देखा होगा लास्ट ईयर एनसीईआरटी में 5 55 55 55 इस तरह के सीक्वेंस का सम कैसे करते थे सर. 5 कॉमन ले लेंगे. हां 5 कॉमन ले लोगे. 5 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा 1 11 111. अब सर सर अब 100 मतलब 10 से करें मतलब 9 माइनस 1 सर. अब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा सर. अब 10 माइनस 1 99 को क्या लिखोगे 100 माइनस 1 ट्रिपल 9 को क्या लिखोगे 1000 माइनस 1 है ना. अब 1 को अलग अलग कर लेना 10 10 100 1000 इनको साथ में कलेक्ट कर लेना और ये 1 को साथ में कलेक्ट कर लेना है ना. अब सम आ जाएगा. इंसर्शन ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नाउ जैसे अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट समझा था वैसे ज्योमेट्रिक मीन. अगेन कोई भी दो रैंडम नंबर a और b आपको दे देंगे कॉन्सेप्ट समझो फॉर्मूला भी नहीं भूलोगे कभी भी. अगेन चीजें बोली जाएगी कि इसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो. इस तरह से इंसर्ट करने तक ये पूरी सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाए जीपी ईपी में. इसमें कन्वर्ट हो जाए जीपी. अगेन अब इस जीपी के बारे में आपको क्या पता है फर्स्ट टर्म पता है. यस सर. फर्स्ट टर्म मुझे पता होगा लास्ट टर्म पता होगा nth टर्म है ना. यस सर. नंबर ऑफ टर्म्स n plus 2. n plus 2. Again, number of terms कितनी हो जाएगी n plus 2. R. क्या निकालोगे आप? R है ना? Yes sir. ठीक है. R कितना आ जाएगा यहाँ पे? अगर निकालना हो तो देखो generally formula भूल जाते हैं हम. Derivation पता होना चाहिए. Last term पता ही है मेरे को? देखो GP में last term का formula क्या होता है? A R की power n minus 1 है ना? Yes sir. Yes sir. Nth term of the GP का formula क्या होता है? A R की power n minus 1. Nth term क्या given है? B. First term A R की power n. Total number of terms n plus 2 minus 1 है ना? यहाँ से R कितना आ जाएगा? B upon A की power 1 by n plus 1. Clear है? Yes sir. B upon A की power 1 by n. वहाँ पे याद है? वहाँ पे D कितना आया था? GP में. B minus A upon n plus 1. B minus A upon n plus 1 आया था. Where n is the number of arithmetic mean inserted. ध्यान रखना. N is the number of arithmetic mean inserted. यहाँ पे common ratio R कितना आ जाएगा? B upon A की power 1 by n plus 1. है ना? सर यहाँ पे भी वही है ना n? हाँ n यहाँ पे भी n क्या है? वही number of arithmetic mean. Total number of terms तो कितनी? N plus 2 है. Total number of terms तो कितनी हो जाएगी? N plus 2. और n क्या है? Number of arithmetic mean inserted. है ना? बोलो. अब यहाँ पे वहां पे अपन ने एक प्रॉपर्टी क्या देखी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितने भी अर्थमेटिक मीन है उनका सम कितना आया था अपने पास n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर दैट इज a प्लस b बाय 2 है ना. यहाँ पे भी जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है उनका क्या निकालेंगे प्रोडक्ट. उनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? देखो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर की पावर n. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर की पावर n. क्लियर है? तो ab की पावर n बाय 2. ठीक है. ज्योमेट्रिक मीन की पावर n. याद रखने का तरीका क्या बात समझ में? ठीक है देखो वापिस समझा रहा हूँ फटाफट देख लो.
जल्दी से देख लेना, ए और बी दो नंबर है, इसके बीच में मैंने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दी, जी1 जी2 जी3 अप टिल जीएन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू हो गई। इसका आर बताओ, बोलो बी बाई बी बाई ए की पावर 1 बाई एन प्लस 1 आया ना, ये आर आ जाएगा। कैसे आया वो भी समझ में आ गया आपको? यस सर। इसका फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? फर्स्ट बोलो अंडर रूट ए सी, अरे एन को आर ए और आर के टर्म्स में। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? ए आर स्क्वायर। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन ए आर क्यूब। एनथ ज्योमेट्रिक मीन ए आर की पावर एन। वेरी गुड। और इसमें जो एक चीज हमको याद रखनी, क्या इन सब का प्रोडक्ट बी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री अप टिल जी एन का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। अरे प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन मैंने इंसर्ट किया। यहाँ पे डी कितना था? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। वेरी गुड। यहाँ पे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर? सेकेंड वाला A plus A plus 2D. Nth वाला A plus ND. ND. और इन सब का सम n into A plus B by 2. A. N times arithmetic mean of two number. Clear है? Yes, yes. यहाँ पे power n में arithmetic mean of two number. बस ये दो चीज आपको याद रखनी, याद रख लोगे? Yes, sir. ठीक है। Insert four geometric mean between these. Again same चीज. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. दो 486 कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने? चार, एक दो तीन चार। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे या फिर डायरेक्ट आर निकाल लो, दैट इज बी बाई ए की पावर, बोलो पावर वन अपॉन एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। एन कितना है? सिक्स एन फोर है, फिर एन क्या बोला है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड है ना? Yes, sir. तो ये जो भी वैल्यू आएगी 243 की पावर 1/6। क्लियर है? यस सर। सर 1/5 आएगी ना? 5 आएगी ना सर। n 5 आएगी। हां ठीक है 1/5, पर ध्यान रखना n क्या है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट है। चिल्ला के बोल रहा हूं, नहीं बात आ रही समझ आ गई? यस आ गई सर। ठीक है ठीक है, चलो ये कर लेना घर पे। यहां तक कोई दिक्कत दर्द दुख दर्द नहीं सर। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो एकदम टाइम टू टाइम जरा 7:30 बज गए, आधे घंटे में जीपी हो गए है ना? यस सर। यस आखिरी अब देखो, अब अपना है लास्ट कॉन्सेप्ट एम जी एम एच एम। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको बहुत बार देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स में काम आ जाता है। awesome. ये जो रिलेशन है, सबसे पहले अगेन सेम चीज, आपके पास अगर दो नंबर है ए और बी, तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? लेकिन बस याद रख लेना हार्मोनिक मीन कितना जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, बस इतना सा याद रख लो। क्लियर है? यस सर। बाकी यूज कभी होगा, एडवांस में कभी यूज होगा तो ठीक है। अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? एचपी के बारे में थोड़ा सा बता दो, मतलब एचपी के बारे में सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि एपी का उल्टा कर देंगे तो एचपी आ जाएगा, बस और कुछ दिमाग में नहीं रखना है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ भी कहीं से कोई बुक में कहीं देखने मत बैठ जाना, कोई वीडियो देखने मत बैठ जाना। एचपी के बारे में कितना याद रखना है कि एपी का उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? तो कंफ्यूज हो जाती हूं मैं एचपी में। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं होना अभी कंफ्यूज, समझ में आ रही बात? जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट की अभी दिमाग में रख के चलना है अपन को। जनवरी अटेम्प्ट में आप सबका टारगेट अभी 95% प्लस लाओ, वो आ जाए, उसके बाद फिर एडवांस की तैयारी करना। क्लियर है? ओके सर। यस सर। 95 प्लस नहीं आए तो फिर कोई मतलब नहीं, 95 प्लस लाओ, उसके बाद एडवांस की तैयारी करने में अलग मजा आएगा। पहले 95% ऊपर आपको लाने कैसे भी करके। तो अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन ए प्लस। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में इतना ध्यान रखना कि उस सीक्वेंस का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो एपी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके एनथ टर्म भी मैं निकाल सकता हूं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी आपको sum of the n terms of the HP कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि इसका कोई formula होता ही नहीं है। Clear है? Yes, sir. अब सबसे important property जो मुझे ध्यान रखनी है कि arithmetic mean is always greater than equal to the geometric mean is always greater than equal to the harmonic mean. Clear है? उसका proof यहाँ पे दे रखा है।
लेकिन आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि किसी भी का अर्थमेटिक मीन हमेशा उसके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा या क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। और इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे जो अच्छे अच्छे हमारे जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे जनरली आपको एक सम का रिजल्ट दिया होगा, पूछा होगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। एक प्रोडक्ट आपको रिलेशन में दिया होगा, पूछा होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, वहां पे आपका ये रिलेशन यूज होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, है ना? यस। ठीक है, किसी का भी अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते आपको पता ही, उन सबका सम करके डिवाइड बाय एन। और किसी का भी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाल सकते हैं, उन सबका प्रोडक्ट करके पावर इक्वेलिटी होल्ड कब करेगी, जब सारी सीक्वेंस क्या हो, बराबर हो। है ना? ये इक्वेलिटी होल्ड कब करेगी, जब सारी टर्म्स क्या हो, बराबर हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री सबको अगर मैं ए के बराबर कर दूंगा तो दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये इक्वेलिटी होल्ड कब करेगी, जब आपकी टर्म्स क्या हो, बराबर हो। क्या बात समझ में आ गई? Yes, एक रिलेशन और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में आपको एक क्या ऑब्जर्वेशन किया, जब अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट किया गया, अर्थमेटिक मीन अभी आपको बताया दो नंबर का a प्लस बी बाई टू, दो नंबर का हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी, है ना? Okay. इनका प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट आपके पास a इंटू बी आ रहा है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। Yes, yes, तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हो कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। आपको बेसिकली बस तीन चीजें याद रखनी है, वापस से याद कर लेते हैं। अगर दो नंबर हैं, उनका अर्थमेटिक मीन बता दो। a प्लस बी अपॉन 2। a प्लस बी बाय। उनका ज्योमेट्रिक मीन बता दो। अंडर रूट a b। अंडर रूट a b। हार्मोनिक मीन बता दो। 2a b इनटू 2a b। बहुत बढ़िया। इन तीनों में रिलेशन और अगर सारे ये नंबर ए और बी अगर इक्वल हो जाएंगे तो आपका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और इसमें रिलेशन क्या है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर ए इंटू एच के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? Yes, yes. बस ये तीन चीज याद रखनी, दिमाग में बैठ लो, बिठा लो सब लोग, बिठा ली? Yes, sir. Yes, sir. बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सर 18। वही है, है ना? Yes, sir, 18. जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच। यस सर। यस सर। ठीक है, ये करो। बताओ क्या आ रहा है? अब देखो यहाँ पे मुझे ये तो समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं AMG अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको देखो हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको पहले वो सिलेक्ट करना पड़ेगा किन नंबर में AMG अप्लाई करूं। ABC आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो ABC है ना, जो भी तीन नंबर आप सिलेक्ट करोगे कि इसमें अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, आप तो क्या कंसिडर करें, कौन से तीन नंबर, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर देता हूँ। अब तीन नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन तीनों का सम, है ना? यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन से क्लिक कर जाना चाहिए, इन तीनों का सम मुझे दिया हुआ है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3। यस सर। है ना? ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देखते हैं अपन को जो पूछा क्या वो आ जाएगा, x plus y plus z इसकी वैल्यू मुझे 12 गिवन है, तो 12/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, xyz का स्क्वायर। हां, xyz का होल स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू xyz की पावर
2/3 क्लियर है? यस सर। यहां से मेरे पास दोनों तरफ आप उधर दोनों तरफ क्यूबिंग करोगे तो कितना आ जाएगा इसका क्यूब? 64 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। इसका रूट ले लोगे तो एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 8 तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सॉरी लेस देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 8 तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 के बराबर। बोल आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। करो ये। अगर पॉजिटिव नहीं बोला होता तो नेगेटिव वाली भी लेते? नहीं, फिर आपका देखो प्रॉब्लम आ जाती। अगर मान लो एक आधा नंबर नेगेटिव हो जाता तो फिर ज्योमेट्रिक मीन इरेशनल हो जाता ना। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा अपन ने, मान लो प्रोडक्ट करता मैं एक्स वाई जेड का, एक आधा नंबर नेगेटिव होता, किसी नेगेटिव नंबर की पावर 1/3 रियल होता क्या? नो सर। नहीं, इसलिए वो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट, गुड क्वेश्चन। अब ये कैसे करें सर? इसमें एक वाई की दिक्कत आ रही है, बाकी तो ठीक है। लगाओ दिमाग सब लोग, चलो करो। अच्छा क्वेश्चन। बताओ, लगाओ दिमाग, बताओ क्या रे? क्रिएट है करना x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर क्रिएट करना, तो कैसे क्रिएट होगा? क्यूब x, ये कैसे क्रिएट होगा? पिछली बार तो x y z क्रिएट करना था, तो आसानी से क्रिएट हो गया। और इस बार आपको सम भी किसका दिया? x y z का दिया है सर। 7 टर्म्स ले लें, 2 बार x, 3 बार y और 2 बार z, इनका amgm लगा देंगे। ठीक है, एक बोल रहा बच्चा कि सर 7 टर्म ले लो। अब जैसे यहां पे x 2 बार है, y 3 बार है, z 2 बार है, तो अगर आप 2 बार x लोगे, आप बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करने, तो 2x ले लिए, 3y ले लिए और 2z ले लिए, ये 7 टर्म अगर आपने कंसीडर करी, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? प्रॉब्लम सम में आएगी ना, 3y क्रिएट हो जाएगा। 3y का फिर क्या करोगे? है ना, इनका अगर इनमें आप अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे, इनका अर्थमेटिक मीन बच्चों क्या होगा? सबका सम डिवाइड बाय 2। यस सर। यस सर। अरे बोलो, नहीं है सारी बस। सबका सम करोगे तो 2x + 3y + 2z डिवाइड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सबका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका यही क्रिएट हो जाएगा, x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर की पावर 1/7। हां है ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे मेरे पास दिक्कत क्या है? 2, अच्छा मान लो चलो इसमें से एक y भी अलग निकाल लो, तो 2x plus y plus z और एक y अलग रह जाएगा by 7। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन ये y रह जाएगा। अब इस y का क्या करोगे फिर? ठीक है, अच्छा सोचा आपने, थोड़ा और सोचो, सब लोग सोचो, और किसी का पास कुछ तरीका आ रहा हो तो बताओ। सर वो x plus y plus z को क्यूब और स्क्वायर करके देख। नहीं नहीं, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, कुछ और सोचो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सोचो, आ जाएगा दिमाग, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली सोचना आपको, अगर ये थिंकिंग आपने डेवलप कर ली ना, फिर क्वेश्चन कितना ही टफ क्यों ना है आप कर लोगे, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, कैसे करके इसको अप्रोच कर। एक थिंग आपने सही लगी, लेकिन यहाँ पे एक जुगाड़ इसलिए नहीं जम पा रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही, मेरे पास वाई आ रहा है। थोड़ा सा और सोचो क्या करें ताकि ये वाई भी हट जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझ में है यहाँ पे दिक्कत क्या ही? बोलो सर। यस सर। अब ऐसा क्या दिमाग लगा है ताकि क्रिएट, तो मेरे को 2x चाहिए, थोड़ा टाइम दे। हाँ हाँ, दे रहा हूँ करो। मुझे ये क्रिएट करना है, सम मेरे पास पता है, तो मैं कौन से नंबर कंसीडर करूं? अल्टीमेटली पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि इन दो का रिलेशन का यूज भी हो जाए और मेरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाए। मैं ऐसे कौन से नंबर कंसीडर करूं?
ताकि सम करने पे x प्लस वाई प्लस जेड क्रिएट हो और प्रोडक्ट करने पे ये क्रिएट हो। ऐसे कैसे नंबर कंसीडर करें जिसका सम करने पे x प्लस वाई प्लस जेड क्रिएट हो और प्रोडक्ट करने पे चूज नहीं कर सकते कि दो बार x ले लिया दो बार z ले लिया और तीन वाई की जगह हमने टू वाई बाई थ्री तीन बार ले लिया टू वाई बाई थ्री कर सकते हो लेकिन सोच कैलकुलेशन करके देखो उसमें x प्लस वाई प्लस जेड क्रिएट होगा कि नहीं होगा। हो रहा है सर एम वाली साइड पे तो हो रहा है। ठीक है देखो ध्यान से इसका तरीका सिखाता हूँ। और किसी का कोई आइडिया लगा क्या? चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है देखो ध्यान हाँ हाँ वापिस बोलना सही जा रहे हो बताओ क्या कह रहे थे सर। x को x by 2 times लिख देंगे और y को y by 3 times लिख देंगे। हाँ very good बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला सर 2x है ना तो आप 2x की जगह x by 2 consider कर लो और 3y है ना तो 3y में क्या consider कर लें y by 3 और y by 3 ये 3y consider कर ये 3 number ले लो और z 2z consider करने तो z by 2 और z by 2 consider कर लो या आप अपने 7 number consider कर ले कर सकते ना है ना। इसमें आप अप्लाई कर दो। देखो सोचने का समय इसलिए जानबूझ के दिया था कि अगर आपने गलत भी सोचा होगा ना तो भी बहुत फायदे का है आपको ये पता चल गया आपकी गलती कहाँ हो रही थी है ना समय इसलिए दिया था। अब देखो यहाँ पे एमजीएम जब अप्लाई करेंगे इन सब का सम करोगे डिवाइड बाय 7 इन सब का सम करो देखो ध्यान से इन सब का सम कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड है ना इन सब का सम देखो ध्यान से x प्लस वाई प्लस जेड आएगा Yes. और इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो अपने आप आपके पास ये क्रिएट नीचे तो चलो जो भी एक्स्ट्रा टर्म क्रिएट हो लेकिन ऊपर प्रोडक्ट में तो यही टर्म क्रिएट होगी और नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर वो तो कांस्टेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। यस सर। यस सर। इस वैरायटी का क्वेश्चन आप आपके दिमाग में रखना इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है कोई डाउट किसी को एनीवन? नो सर। नहीं सर। ये करो 2020 का। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया क्या इसमें बोला ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है मतलब अल्टीमेटली दिमाग उससे ही लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या बोला है 2 की पावर साइन एक्स और वैसे भी आपको पता है एक्सपोनेंशियल नंबर अपने पॉजिटिव नंबर ही होते हैं ना yes, sir. Yes, sir. 2 की पावर कॉस एक्स इनके सम की मिनिमम वैल्यू पूछी है तो सम की मिनिमम वैल्यू पूछी ना कहीं एएमजीएम अप्लाई हो रहा होगा है ना यस सर। अगर इन दोनों नंबर का सम करो चलो आप लोग ट्राई सर इसको देख के तो मैक्सिमम मिनिमम का लग रहा है यस सर। हां वही मतलब बेसिकली सम देखो कभी भी लॉजिक कैसे डेवलप होगा दो टर्म्स के सम की मिनिमम मैक्सिमम पूछी है जिसमें एएमजीएम अप्लाई करके देख लेते हैं फायदा हो जाए कभी तो हो सकता है हो सकता है ना हो नहीं हो अप्लाई होगा तो फिर आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आपका आखिरी टूल है ना। ठीक है आखिरी टूल तो आपके पास एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है ही सही जब कुछ हथियार काम नहीं कर लेकिन अगर ये जब जहां पे ये काम हो जाता है ना वो क्वेश्चन बहुत आसान बना देता है। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। अब ये तो मुझे चाहिए तो इस एक्सप्रेशन को मान लो मैं अपना गिवन एक्सप्रेशन मान लेता हूं m बाय 2 m की वैल्यू मुझे निकालनी है ग्रेटर देन इक्वल टू बेस से में पावर एड हो जाएगी यस सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 1/2 तो आपके पास यहां से रिलेशन क्या आया एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 1/2 क्या बात समझ में आई यस सर। यस सर। आप बताओ यहां पे बात क्या करूं आप लोग दिमाग लगा के बताओ सर। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रूट टू हो सकती है। वेरी गुड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये जो इनइक्वालिटी थी किसके बीच में लाई करती थी सर अंडर रूट वेरी गुड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के बीच में है ना तो इसकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट टू यस सर यस सर ये क्या आ जाएगा रूट टू की पावर 1/2 पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी यस सर तो 2 की पावर रूट टू इंटू 1/2 है ना यस सर। अब बेसिकली 2
इनटू टू की पावर वन बाय रूट टू। सर हमें मिनिमम पूछी है ना, तो हमें माइनस रूट टू नहीं लेना चाहिए। क्या पूछी है? मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू पूछी है। यस सर माइनस। हाँ माइनस ले लेना फिर। मिनिमम पूछिए ना, ध्यान ले रहा। तो मिनिमम के लिए क्या लोगे? मिनिमम मिनिमम कितना हो जाएगा? माइनस रूट टू। यस सर। यस सर। मिनिमम आपका हो जाएगा माइनस रूट टू। वेरी गुड, आप लोग ही करवा रहे क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट टू। माइनस कर लोगे सॉल्व, बेस से भी पावर ऐड हो जाएगी। यस सर। देखो ये आपके सामने जेई का क्वेश्चन है। अब ये अब जेई में उसने देखो जेई का सिलेबस देखूंगा आपको। पहले भी उन्होंने ये तो दिया ही नहीं था। देखो ये पिछले साल का सिलेबस कहाँ गया ये रहा है ना। अब उसमें उन्होंने ये बोला क्या कि इसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो पूछेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, वो उन्होंने लिखा नहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ना लास्ट ईयर के सिलेबस में लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन तो पूछ सकते ना। आपको डायरेक्टली बोलेंगे नहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? अगर वन बाय माइनस वन बाय टू प्लस रूट थ्री बाय टू आया था, जिसका रूट है वो ओमेगा हो जाएगा, है ना? यस सर। तो आपको ओमेगा को देख के पहचानना है कि उसके इक्वेशन है कि नहीं। क्लियर है सबको? यहाँ तक अपनी थ्योरी कवर हो चुकी है। जो आपका सिलेबस में जितनी भी बेसिक थ्योरी थी वो मैंने पूरी कवर कर ली है। एपी पढ़ा दिया, जीपी पढ़ा दिया, एएम पढ़ा दिया, जीएम पढ़ा दिया, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा दिया, और इनइक्वालिटी पढ़ा दी। देख लो ध्यान से क्या सारी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको। अब थोड़े और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो अपन जेई के 2023 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें कुछ टफ भी है, कुछ ईजी भी है, कुछ मीडियम भी। अगेन तीनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपन को शांति से पेशेंस लेवल से ट्राई करना है प्रॉपरली। एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया था, एक ये थोड़ा सा इसको डिटरमिनेंट के साथ मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया, ये आपका एक एपी जीपी का क्वेश्चन। ठीक है, अगेन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेशन था इसमें काफी ज्यादा। इसके बाद आपका ये लॉग के साथ मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया, लेकिन कैलकुलेशन था लेकिन आसान था। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी डिफरेंस क्रिएट करना हो जाएगा, यहाँ पे भी मिनिमम पूछा है, कैलकुलेशन करोगे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 19 तो 20 देख लो। 19 में आपको क्या बोला है? फर्स्ट टर्म पता है, एपी में है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म लास्ट फोर टर्म का सम, अगेन कैलकुलेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हाँ है ना? यस सर। यस। 28 देख लो, थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय क्या बोला है, विच आर डिविजिबल बाय आइदर बाय टू और थ्री बट नॉट बाय सेवन, हाँ है ना? एसएनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा उसका यूज होगा, सेट का यूनियन, है ना? ए यूनियन। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, जैसे अपन बोलते हैं ना कॉमन टर्म्स, इस बार कितनी सीक्वेंस दे दी? तीन। दे दी तीन। कितनी दे दी? तीन। उन तीन सीक्वेंस में तो कॉमन टर्म आपको ढूंढना है, तो तीनों का क्या लोगे? एलसीएम, है ना? यस। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें मैं आप चाहता हूँ आप लोग टाइम से करें, क्योंकि हर क्वेश्चन देखो 2023 और 2022 में जेई में अगर आप रिव्यू देखोगे ना सारे पेपर के, सबसे टफ मैथ आया था और उसमें सबसे बड़ा रिव्यू था, लेंथी क्वेश्चन थे। तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें कम से कम 3 से 4 से 5 मिनट लगने हैं, तो मैं चाहता हूँ आप आराम से हर क्वेश्चन में 5-7 मिनट दो, उसको प्रॉपरली ट्राई करो और उसके फिर आंसर किसके साथ लास्ट में मैच करो। क्लियर है? ओके सर। ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप इनको घर पे आराम से हर क्वेश्चन का मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा मत देना, 5 मिनट के अंदर अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाना, बाकी अगली क्लास में इसका अपन डिस्कशन रख लेंगे। ठीक है, बोलो। यस। 2023 के सारे क्वेश्चन है, थोड़े बहुत क्वेश्चन और, अब ये जनवरी अटेम्प्ट के तो मैंने ऐड कर दिए, इसके बाद दो अप्रैल अटेम्प्ट उसके भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा और उसके आंसर की इसमें डाल दूंगा, जो सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन पिछले साल आए, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ये होंगे, आप इनको घर पे ट्राई कर लेना। कर लोगे? यस सर। यस सर। ये क्लास अपन 1 घंटे की रखेंगे जिसमें इनका डिस्कशन रख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट्स हो तो आप डिस्कशन करके क्लियर कर लेना। बाकी थ्योरी आपकी कवर हो चुकी है, ये क्वेश्चन करने के बाद ये सारी चीजें हो जाए, उसके बाद एक फॉर्मूला लिस्ट बना लेना 1 पेज की। क्लियर? ठीक है सर। यस। ये लगभग 2 पेज की पीडीएफ अभी मैं शेयर कर दूंगा, इसमें 2-4 पेज और ऐड करके, ठीक है, आपका हो जाएगा। आ रहा है? यस सर। ठीक है सर। हां बोलो सर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इस साल के पीवाईक्यू मतलब ट्राई किया ना, तो सर उसमें कुछ मतलब काफी क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस डाल रखे हैं उन्होंने, वो कैसे करेंगे कुछ आइडिया दे दो। ठीक है, तो ज्योमेट्री बेस वाले क्वेश्चन एक काम करते हैं, अगली क्लास में उसको ले लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके, अगली क्लास में जितने भी ज्योमेट्री बेस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे उनको अपन ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ज्योमेट्री बेस क्वेश्चन करने। दूसरा ये जो सीक्वेंस सीरीज है इसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है सर।
सर एक चीज पूछनी है, वो एएम प्लस जीएम मिक्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे क्या? नहीं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हटा दी सिलेबस से, नहीं है।